बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ा, जिसके लिए मैंने ये दालें ली हैं। ये हैं 200 ग्राम मूंग है, खड़े मूंग, 200 ग्राम मसूर की लाल वाली जो दाल होती है वो है, 200 ग्राम अरहर की दाल है, 200 ग्राम माश की दाल है, 250 ग्राम चने की दाल है। अब मैं इसे भिगोऊंगी। ये मैंने गेहूँ 400 ग्राम लिए हैं, ये मैंने रात में भिगो के रख दिया है। और ये है 250 ग्राम चावल है। अब इन सारी दालों को भिगोते हैं और फिर 4-5 घंटे के बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब ये दालें सब भीग चुकी हैं। अब मैं स्टार्ट करती हूँ खिचड़ा पकाना। सबसे पहले फ्लेम को ऑन करेंगे और इस कुकर में मैंने सब दालें और चावल और गेहूँ सब डाल दिया है। गेहूँ मैंने ज़्यादा भिगो के रखा था, इसलिए साथ में डाल दिया है। अगर कम भिगा हुआ है आपका तो आप गेहूँ को अलग से गला सकते हैं। दालों में अब हम डालेंगे नमक, और हल्दी, एक चम्मच हल्दी। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे चला के। इसका ढक्कन बंद करते हैं, 15 मिनट में ये दाल गल जाएगी क्योंकि भीगी हुई है। अब हम बनाने जा रहे हैं खिचड़े का गोश्त, जिसके लिए मैंने लिया है 2 किलो गोश्त है ये बीफ का, 150 ग्राम पिसी हुई अदरक है, 150 ग्राम पिसा हुआ लहसुन है, ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें से ये है काली मिर्च, जौत है, जौतरी का छोटा टुकड़ा है, 8 से 10 छोटी इलायचियाँ हैं, 4 बड़ी इलायची है, 10 लौंगे हैं, और ये है तेज़पत्ता 2 से 3, ये एक टुकड़ा दालचीनी की लकड़ी का है, ये है 250 ग्राम कटी हुई प्याज जो मैं गोश्त में डालूंगी, ये कुछ स्पाइसेस हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पकाना। चलिए अब हम गोश्त पकाते हैं। सबसे पहले फ्लेम को ऑन करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे तेल। तेल अब गर्म हो गया है। अब ये मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली थी, इसको काट लिया है। अब इसको ब्राउन करेंगे। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगी तो इसको हम निकाल लेंगे और खड़े मसालों के साथ इसे पीसना है। जो खड़े मसाले अभी मैंने दिखाए थे उसमें से कुछ तो खड़े पड़ेंगे और कुछ इसके साथ पीसेंगे। अब ये प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब इसको हमें निकालना है। फ्लेम को हम लो पे कर देंगे और सारी प्याज निकाल लेंगे। अब ये सारा गोश्त हम इस कुकर में डाल देंगे। गोश्त डाल के इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे और इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे। ये 2 से 3 तेज पत्ते हैं और ये दालचीनी की लकड़ी है, 2 बड़ी इलायची है। ये है लहसुन और ये है अदरक का पेस्ट। फ्रेंड्स, 250 ग्राम मैंने सरसों का तेल यूज किया है। फ्लेम को अब हम हाई पे करेंगे और ये कटी हुई प्याज, 3 प्याज हैं मीडियम साइज की, इसको इसमें डाल देंगे। अब
अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, थ्री टीस्पून हल्दी इसमें जाएगी, फोर टीस्पून पिसा धनिया, टू टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। हमको एक चम्मच नमक डालेंगे, फिर तैयारी पे देखेंगे नमक चेक के। अब इसको चला करके पानी डाल के और बंद कर देंगे, 20 मिनट के बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स ये अब दाल गल चुकी है, अब पानी को मैंने एक तरफ गर्म कर लिया भगोने में। अब धीरे धीरे इसमें हम पानी डालेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ी है तो इसमें हम पानी डाल करके फिर इसको घोटेंगे। आप देख सकते हैं ये दाल एकदम गली हुई है, तो हम इसको एक मथानी से घोटेंगे। फ्रेंड्स देखिए इसको ऐसे घोटना है ये सब मिक्स हो जाए। अब ये दाल पूरी तरह से घुट चुकी है, आप देख सकते हैं ये इतनी गाढ़ी है। अब हम इसमें गोश्त मिलाएंगे। सारा गोश्त इसमें पड़ जाएगा। अब इसमें सारा गोश्त जा चुका है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, थोड़ी सी हरी मिर्ची पड़ गई। और ये जो फ्राई की हुई प्याज थी इसमें खड़े गरम मसाले मिला के मैंने पीस लिया है, अब इसमें ये जाएगा। देख सकते हैं ये खिचड़ा पूरा रेडी हो चुका है। अब सिर्फ हमें इसकी बघार तैयार करनी है। हम इसकी अब बघार तैयार करते हैं। मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है, अब ये तेल गर्म हो रहा है। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज पड़ेगी। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज जितनी बारीक होगी उतनी अच्छी ब्राउन होती है, एकदम क्रिस्पी होती है। अब ये बघार तैयार हो चुकी है, अब हम इसको इस पतीली में डालेंगे। और ये खुशबू वाला मसाला और पड़ेगा इसमें, ऊपर से थोड़ा सा सूखा गरम मसाला पिसा हुआ है ये हम डालेंगे। अब इसमें हरा धनिया पड़ेगा, लास्ट में केवड़ा। ये खिचड़ा एकदम रेडी हो चुका है, चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। फ्रेंड्स अब ये खिचड़ा पूरी तरह से तैयार है, इसकी गार्निशिंग हरी मिर्च, हरी धनिया और नींबू से हो चुकी है। अगर आपको ये खिचड़ा पसंद आता है मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।